ये प्राइवेट ही गवर्नमेंट सारे मिला के बता रहे हैं गाजिया बात के लिए। मलेरिया का केस तो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, हालांकि इस सीजन में टोटल तक जो हम लोगों ने केस निकले 8 निकले हैं। तो केसेस जो हैं क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, ये भी एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि गाजियाबाद की आबादी, उसकी डेमोग्राफी NCR रीजन लगे होने की वजह से, और दूसरे यहाँ पे डायग्नोस्टिक लैब हॉस्पिटल फैसिलिटी इतनी ज़्यादा हैं कि जितने भी केस हैं 100% केस रिपोर्ट हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है हम लोगों की जो कि फैसिलिटी इतनी अच्छी हैं कि जो केसेज रिपोर्ट हो रहे हैं, परंतु किसी में कैजुअलिटी नहीं हो रही है। मरीज को शुरुआती लक्षण जिसमें होता है उसी समय उसको इलाज मिल पा रहा है, इसलिए हमारे जनपद में इतने केस होने के बाद भी कोई कैजुअलिटी नहीं है। सर अगर बात करें तो अब तक कितने मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं? देखिए इस समय अगर एक्टिव बात करूँ तो लगभग 92 मरीज हमारे अभी पिछले हफ्ते की बात करूँ अगर तो लगभग हमारे 92 मरीज अलग अलग गवर्नमेंट में प्राइवेट में मिला के अलग अलग भर्ती थे, लेकिन कोई किसी को ICU मतलब एक ये कॉशन एक चीज हम लोग को समझना पड़ेगा कि क्योंकि यहाँ पे NCR रीजन में होने की वजह से लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होने की वजह से अगर मरीज को जरा सा भी लक्षण लगता है तो वो सीधे हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो जाता है। तो हॉस्पिटलाइजेशन को आप सीवियरिटी से मत देखिए, जो मरीज भर्ती हुए उसमें कोई सीवियर नहीं मिली, सब नॉर्मल हैं। और अगर कुछ बहुत सारे मरीज जिसमें से ऐसे थे अगर चाहते तो घर पर भी इलाज लेके ठीक हो सकते थे, लेकिन क्योंकि लोग सक्षम भी हैं इंश्योरेंस भी है तो हॉस्पिटल प्रेफर करते हैं। सर अगर बात करें बेड की तो कितने बेड रिजर्व कर रखे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर? देखिए हमारे जो जिला लेवल के अस्पताल है उसमें हमने 10 बेड, जो हमारे PSC हैं जो ब्लॉक लेवल के हैं उनमें हम लोगों ने 4 बेड, सब जगह बेड की कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल है वो सबको पता है, वो डील करते हैं, उनके यहाँ बेड अवेलेबल रहता है, कहीं से कोई इस तरह की भी कहीं चाहे हमारे कंट्रोल रूम हो चाहे हमारे कार्यालय में हो चाहे CMO साहब के पास में कहीं से कोई ऐसा फोन नहीं आता हमारे पास साहब हम बेड नहीं मिल रहा। देखिए इस बात हम लोगों ने लोगों को जागरूक करने के लिए व्यापक स्तर पर काम किया है। पहला तो हम लोगों ने स्कूलों के माध्यम सारे स्कूलों के माध्यम से हम लोगों ने व्यापक प्रचार प्रसार प्रार्थना सभा में बच्चों की सिंचाई किया है। दूसरा जितने मल्टीप्लेक्स है मल्टीप्लेक्स में हमारे 2 वीडियो हैं जो लगातार चल रहे हैं, हर मूवी के पहले चलते हैं। तीसरा हम लोगों ने इस बार RW एसोसिएशन के साथ में चिकित्सा इकाइयों के साथ में ग्राउंड और हमारी ANM जो है जितनी भी ANM है सबको हमने माइक दिया हुआ है, वो नीचे जाते संचारी रोग के लिए हमने ऑडियो क्लिप बनवा रखी है और कुछ हमारे पास दूसरी क्लिप है जो भारत सरकार की है वो हम लोग बजवा रहे हैं जगह जगह। तो इसको हमारा जो मेन फोकस है व्यापक प्रचार प्रसार पे है कि लोग इस चीज़ के लिए खुद जागरूक हों कि उनके अपने घरों में कोई भी ऐसा कंटेनर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखनी जिसमें लागत पड़ पाए। दूसरा अपना व्यवहार जो है खुद स्लीप के कपड़े पहनने हैं और जैसे पार्क वगैरह जा रहे हैं तो नीचे सॉक्स सूट पहने, तो हम लोगों ने इस चीज़ के माध्यम से कि मॉस्किटो कम से कम उन्हें बाइट कर पाए और जो सोर्स है वहाँ पर कोई ऐसा लार्वा पनप ना पाए, इस चीज़ के लिए हम लोगों ने पब्लिक को जन जागरूक करने का काम किया।